कौन कौन हुए हैं इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इस हफ्ते जो है बहुत ही अलग सा नॉमिनेशन टास्क हुआ, कन्फेशन रूम में बुलाया गया। हालांकि मैंने आप लोगों को ये प्रोमो आने से पहले ही सब चीज़ें बता दी है, पर कुछ लोग जो है अभी अभी चैनल पे आए हैं यही चीज़ देखने के लिए, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन इस हफ्ते नॉमिनेट हो गया है और किसने किसको नॉमिनेट किया है। खानजादी रिंकू और ऐश्वर्या को नॉमिनेट कर चुकी है अपना वाजिद कारण देते हुए। और को आपने प्रोमो देखा है, खानजादी को उसने नॉमिनेट किया है ये बात बोलते हुए कि हाँ वो जाना चाहती है घर, और साथ में उसने रिंकू जी का भी नाम लिया है। नील ऑलरेडी नॉमिनेट है तो वो नॉमिनेट ही रहेगा। नील ने जो है खानजादी और विक्की को किया, ऐश्वर्या ने विक्की और खानजादी को किया, अरुण ने जो है अभिषेक और रिंकू को किया, रिंकू ने खानजादी और अंकिता को किया, अंकिता ने अभिषेक और मनारा को किया, और ईशा ने अभिषेक और अनुराग को किया, समर्थ ने अभिषेक और विक्की को किया, मनारा ने अनुराग और अभिषेक को किया, और विक्की ने ऐश्वर्या और अभिषेक को, अरुण ने विक्की और अभिषेक को, अभिषेक ने समर्थ और विक्की को। यानी कि यहाँ पर अभिषेक विक्की अभिषेक बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है ना, तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर विक्की और अभिषेक जो है नॉमिनेट हो चुके हैं, और नील जो है वो ऑलरेडी नॉमिनेट है। खानजादी का भी नाम बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो खानजादी भी इस हफ्ते जो है घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट है। यहाँ पर अभी तक मेरे पास मुनव्वर फारूकी का नाम नहीं आया, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुनव्वर फारूकी ने जो है ऐश्वर्या को नॉमिनेट किया है। उसी उसी दौरान अगर आगे मैं देखूं, घर में ऐसा कौन है सदस्य जिसको वो नॉमिनेट कर सकता है? ऐसा अगर कोई और सदस्य है तो वो अनुराग होगा, क्योंकि अनुराग जो है उसको पसंद नहीं करता है, अनुराग बार बार बोलता है, तो शायद अनुराग को नॉमिनेट किया हो मुनव्वर ने। आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐश्वर्या और अनुराग, मैं सोच रही हूँ कि मुनव्वर ने दोनों को किया होगा। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।